हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ जिसकी मदद से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अ फॉलिश ब्राह्मण, एक मूर्ख ब्राह्मण। गोपाल वॉज एन इनोसेंट सिंपल एंड पायस ब्राह्मण, दो नॉट क्लेवर इनफ। गोपाल एक भोला सीधा साधा और धार्मिक ब्राह्मण था, हालांकि ज्यादा चालाक नहीं था। गोपाल वॉज एन इनोसेंट सिंपल एंड पायस ब्राह्मण, दो नॉट क्लेवर इनफ। गोपाल एक भोला सीधा साधा और धार्मिक ब्राह्मण था, हालांकि ज्यादा चालाक नहीं था। वंस गोपाल विजिटेड अ फेयर एंड बोट अ गोट, एक बार गोपाल एक मेले में गया और एक बकरी खरीदी। वंस गोपाल विजिटेड अ फेयर एंड बोट अ गोट, एक बार गोपाल एक मेले में गया और एक बकरी खरीदी। ऑन हिज वे होम ही मेट थ्री क्लेवर रोग्स, घर जाते समय उसकी मुलाकात तीन चालाक बदमाशों से हुई। ऑन हिज वे होम ही मेट थ्री क्लेवर रोग्स, घर जाते समय उसकी मुलाकात तीन चालाक बदमाशों से हुई। दे वॉन्टेड टू स्नैच द गोट फ्रॉम हिम एंड मेड अ प्लान टू डाइवर्ट द गोट, वे उससे बकरी छीनना चाहते थे और बकरी को हड़पने की एक योजना बनाई। दे वॉन्टेड टू स्नैच द गोट फ्रॉम हिम एंड मेड अ प्लान टू डाइवर्ट द गोट, वे उससे बकरी छीनना चाहते थे और बकरी को हड़पने की एक योजना बनाई। द फर्स्ट रोग सेड, व्हाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर, इट इज वेरी अगली एंड सिक टू। पहले बदमाश ने कहा, तुमने कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है, यह बहुत बदसूरत है और बीमार भी। द फर्स्ट रॉक सेड, व्हाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर, इट इज वेरी अगली एंड सिक टू। पहले बदमाश ने कहा, तुमने कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है, यह बहुत बदसूरत है और बीमार भी। द ब्राह्मण थॉट फॉर अ मोमेंट बट कंटिन्यूड वॉकिंग, ब्राह्मण ने एक पल के लिए सोचा लेकिन चलना जारी रखा। द ब्राह्मण थॉट फॉर अ मोमेंट बट कंटिन्यूड वॉकिंग, ब्राह्मण ने एक पल के लिए सोचा लेकिन चलना जारी रखा। आफ्टर अ लिटल डिस्टेंस ही मेट अनदर रोग हु रिपीटेड, व्हाई आर यू कैरिंग अ सिक डॉग ऑन योर शोल्डर, थोड़ी दूरी के बाद एक और बदमाश मिला जिसने दोहराया, तुम एक बीमार कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हो। आफ्टर अ लिटल डिस्टेंस ही मेट अनदर रोग हु रिपीटेड, व्हाई आर यू कैरिंग अ सिक डॉग ऑन योर शोल्डर ओ मैन। थोड़ी दूरी के बाद वह एक और बदमाश से मिला जिसने दोहराया, तुम एक बीमार कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हो, अरे यार। This surprised the Brahman, इसने ब्राह्मण को चौंका दिया। This surprised the Brahman, इसने ब्राह्मण को चौंका दिया। He checked his load and the goat, उसने अपने भार और बकरी की जांच की। He checked his load and the goat, उसने अपने भार और बकरी की जांच की। He was a little doubtful of his wisdom, उसे अपने बुद्धि पर थोड़ा शक हुआ। He was a little doubtful of his wisdom, उसे अपने बुद्धि पर थोड़ा शक हुआ। After some time he met the third rogue, who uttered, "Oh man, are you a fool?" कुछ देर बाद वह तीसरे बदमाश से मिला जिसने कहा, अरे यार क्या तुम बेवकूफ हो। After some time he met the third rogue, who uttered, Oh man, are you a fool? कुछ देर बाद वह तीसरे बदमाश से मिला जिसने कहा, अरे यार क्या तुम बेवकूफ हो। Why are you carrying a worthless dog on your shoulder? तुम एक बेकार कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हो। Why are you carrying a worthless dog on your shoulder? तुम एक बेकार कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हो। Now the Brahman assured that he was carrying a dog, not a goat. अब ब्राह्मण को पूरा भरोसा हो गया कि वह कुत्ता ले जा रहा है ना कि बकरी।
Now the Brahman assured that he was carrying a dog, not a goat. अब ब्राह्मण को पूरा भरोसा हो गया कि वह एक कुत्ता ले जा रहा है, ना कि बकरी. Threw down saying, "Why should I carry a dog and get myself soiled?" मैं कुत्ते को क्यों ले जाऊं और अपने आप को गंदा क्यों करूं? यह कहते हुए उसने नीचे फेंक दिया. Threw down saying, "Why should I carry a dog and get myself soiled?" मैं एक कुत्ते को क्यों ले जाऊं और अपने आप को गंदा क्यों करूं? यह कहते हुए उसने नीचे उसको फेंक दिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, कोई नया वर्ड या सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.